करके अच्छा यूं करे तो फिर जाओ उससे बातें करो, जाओ अभी हम उनके साथ नहीं, वो पता चला ना मैं भी आई आंटी के साथ करने को है किसी और से लेके डाल दिया हां ये YouTube पे भी डाल देंगे ना। हां जी मैं इस वक्त मौजूद हूं आप लोगों के साथ और फरहाना जो है वो इनके YouTube चैनल पे अभी मुझे पता चला जी पूरी फैमिली के साथ मैं हूं। और ये अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल मोहिब अली फैमिली। तो जनाब वही बात के लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जी ये है दो चार दिन पहले की वीडियो मेरी, और मैं वीडियो क्यों नहीं बना रही, लोगों के सवाल आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं वीडियोज़ नहीं बना रही हूँ और मेरे ब्लॉग्स बहुत कम हो गए हैं आना। तो जनाब मसरूफ़ीत कुछ यूँ हो गई है कि बच्चों के खुल गए हैं स्कूल और उनकी रूटीन चेंज हो गई है, स्कूल मदरसे और फिर ट्यूशन, और उसके बाद ये हुआ कि मौसम भी चेंज हुआ और हम सब की तबीयतें ख़राब हो गई हैं। पहले बच्चों की हुई, फिर मेरी हुई, अब मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब है। काफ़ी सारी प्लानिंग करके रखी हुई थी कि आप लोगों के लिए ये वीडियोज़ बनानी है, काफ़ी बहुत सोचा हुआ था, लेकिन वही जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है, हम तो कुछ भी सोच लें वो नहीं होता। हर कहते हैं ना हर चीज़ का एक वक्त होता है, टाइम होता है उसी वक्त होती है। तो जी जब इंशाल्लाह अल्लाह का हुक्म होगा तो फिर इंशाल्लाह निकलेंगे आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग बनाने के लिए। तो अभी मैं जो व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मेरे घर का ही व्लॉग है और हम लोग सब साथ में रहते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, और मेरे जेठ के यहाँ आए हुए थे मेहमान और उन्होंने हम सबको बुलाया हुआ था ऊपर दावत में। तो वो वीडियो मैंने कल भी आपके साथ शेयर की थी, असमा तौहीद आई हुई थी, एक नाम है हमारे मुल्क का जो आर्टिस्ट भी है, राइटर भी हैं और वो FM पर भी आती हैं। तो उनका मैंने आपके साथ इंटरव्यू कल शेयर किया था और उनके साथ किस तरह आप पूरा दिन गुजारा और हमने क्या किया, तो वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो वीडियो। तो मैंने सोचा पहले आपको अपने अहवाल बता दें कि क्या चल रहा है आजकल। तो जी शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये आपको ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट नज़र आ रहा होगा ब्रिज के ऊपर से, और ये खूबसूरत ब्रिज बना हुआ है जनाब नाजमाबाद में, और इस वक्त हम लोग जा रहे थे इम्तियाज़। तो मैंने ये आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो बना ली क्योंकि मुझे ये ब्रिज बहुत पसंद है, बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है ये और चारों तरफ का लुक नज़र आता है यहाँ से, चारों रोड नज़र आते हैं यहाँ से। तो मैंने सोचा आपके सामने ये मंजर शेयर किया जाए। तो आइए चलते हैं घर की तरफ और आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग शेयर करते हैं। नहीं मेरा इंटरव्यू ले रही है, कोई और नहीं ले रहा। थैंक यू। तो जी हमारी पूरी फैमिली है और आज हम आए हैं फिर एक दफा दावत में भाभी के, भाभी भाभी किचन में मसरूफ है और हम इस वक्त पोर्शन में हैं मेहताब अली आर्टिस्ट के, और उन्होंने बुलाया हुआ है किसे, असमा तौहीद को, जिनका नाम मैं पहचान है, आप लोग सब पहचान गए होंगे। तो इनका इंटरव्यू भी दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में हम आपको पूरा, और क्या क्या खा रहे हैं और क्या क्या बातें होती हैं। तो वो चलता रहेगा साथ में। तो जी जनाब जैसे मैंने बताया आपको कि मैं अपने जेठ के पोर्शन में आई हुई हूँ, और जो एक बहुत मशहूर माशाल्लाह से आर्टिस्ट है मेहताब अली आर्टिस्ट, और उनकी ये पेंटिंग भी पीछे मेरी आपको नज़र आ गई होगी। तो आइए आपको एक दफ़ा भी उनके पोर्शन में बल्कि उनकी साइड पर लेकर चलती हूँ और दिखाते हैं अंदर क्या क्या हो रहा है। नीचे वाला बीच वाला मेरा है, सबसे नीचे बड़ी भाभी है। अंदर की मिला, चले भाई आ जाए अंदर। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। तो भाईजान ने आज फिर दावत तो बुला लिया, अब फिर भाईजान के आ गए। ये है एक और हमारे डायरेक्टर साहब, न्यू डायरेक्टर साहब। अब ये कहाँ आई हूँ, ताया क्या, ताया क्या, ताया क्या, और किसके साथ बैठी हो, सदा भाभी के साथ। जी मैं आपको दिखाती हूँ कि भाभी ने कितना अच्छा डेकोरेट किया हुआ है अपना कमरा। ये डेकोरेट किया हुआ है भाभी ने। अलादीन का चराग इसमें निकला कुछ, दिन में निकला। नहीं,
ये असली गोल्ड है, हैं सुना कर, ये असली गोल्ड रखा हुआ है तुम लोग, गोल्ड का बिस्किट रखा हुआ है। टाइम क्या हो रहा है? ये पेंटिंग जनाब किसी जापानी आर्टिस्ट की है जो भाईजान को गिफ्ट मिली है। ये भाईजान की पिक्चर्स लगी हुई है यहाँ पे, और ये उनके गवादर पे जब वो गए थे वहाँ की पिक्चर है एयरपोर्ट की। हाँ कटिंग में टाइम लगता है। हो गया इंटरव्यू पूरा हो गया ना? मैं ये बाप सुने मेरा मतलब वो YouTube पे कह रही डाली पता चले कि भाई मेहताब अली की फ्रेंड और क्या बहन की फ्रेंड और हमारी इतनी पुरानी, तो बात करें। तुम्हारा कितनी फुटेज खा गई है? एक जुमला को बाकी सारी बातें तुम कहना चाहती हो कर लेंगे, ताजी आदमी कर लेंगे। ये बात समझ में नहीं आती थी नहीं तो अरे वो क्या पैरोडी कहते हैं, क्या चीज कहते हैं, वो तो आपने की नहीं किसी की, क्या कहते हैं, नहीं तो ये वो कह रहे मैं मल्टी टैलेंटेड भी हूँ। हाँ वो कह रही है अल्हम्दुलिल्लाह मैं मल्टी टैलेंटेड भी हूँ और इतनी आवाजें निकालनी आती हैं और ये जोक सुनाए, जो कोई हल्का सा जोक ही सुना दे, थक गए थे हम लोग, जरा सच्चे हंस लेंगे थोड़ा सा। हल्का सा जोक काफी सारे होते हैं जो कि फौरी तौर पे आपके जहन में नहीं आ रहे होते, लेकिन मैं जब पढ़ती हूँ या जोक्स वगैरह मैं सुनती रहती हूँ तो मुझे मज़ा आता है कि मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ कि आप जोक्स सुनाएं, कुछ करें इस तरह के गाने शाने चीज़ें, और नेशनल सॉन्ग्स मुझे काफ़ी पसंद हैं, अपने रेडियो पे इस पे मैं अक्सर नेशनल सॉन्ग्स वगैरह प्ले करती रहती हूँ, तो मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे पाकिस्तान से मोहब्बत और उसके उसका इजहार और उसका नहीं आपके बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आप इतनी मसरूफ है, जाहिर तालीम भी जा रही है आपकी, बुलाते हैं ये हैंडपम्प हम गांव में देख कर आए थे, इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं, देख लो अच्छा। एक दफा आपने शबनम की एक्टिंग उतारी थी अच्छा उसके बाद वो है शबनम जो है वो गांव के वडेरे से वही उसकी शादी हो रही है, बाप कर रहा है बूढ़ा बाप, और जो है वो बाबू है वो अचानक से बिना बताए चला गया था शहर, वो नहीं आ रहा था, तो उसने बाबू को जैसे ही देखा उसको पता है कि मेरी शादी तय हो चुकी है, तो शबनम भागती भी आती है, बाबू ये क्या किया तुमने, शादी तय कर दी, देख लेना बाबू अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं अपनी जान दे दूंगी।
याद आ गया, मैंने कहा इतनी चले। आज मिलवाती हूँ मैं अपनी फैमिली के साथ आपको। ये है मेरी नन, क्या नाम है, कौशल बाजी। फिर आई है ये भी मेरी नंदी है अस्मा तोहिर, और ये हमारी भाभी, और भाभी के साथ फरिया, और फरिया के साथ कौशल बाजी की दोनों बेटियाँ सदफ और खतीजा। और आज फिर भाभी ने हमें दावत तो बुला लिया। हाँ, तो क्या ना, वो हमारी जो गेस्ट है फरिया आई है अपने फरिया ससुराल वापस जा रही है, आज जा रही है अपने ससुराल, इसलिए तो इसलिए हमने अस्मा तोहिद को ही बुला लिया, ताकि फरिया सबको बुला लिया साथ एंजॉय। हाँ, काफी दिनों बाद आई है, 4-5 साल बाद आई जी, बहुत सालों बाद। हाँ, काफी साल बाद आए, क्योंकि जाहिर है टाइम ऐसा गुजर रहा है पता ही नहीं चल रहा। मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट है भाई ये, भी कहना जी, बहुत जी कहना बहुत, अभी अब आपको पता चलेगा उसके अंदर वीडियो में मैक्री जो होती है वो कहेंगे सही। थैंक यू। अब बाकी लोग अंदर बैठे आपने एक्टिंग करके तो दिखाई थी ना, और इनका इंटरव्यू करें। अच्छा, सही से बैठो, फिर कहोगे मेरी सही अब इस वक्त दिन की रोशनी ना अच्छी आ रही है। देखा ये हम इंतजार कर रहे थे, मैंने कहा ये इसका इंतजार। अरीसा बना रही है चाइनीज़। कहाँ जा रही हूँ खतीन का, मैं पौधे दिखा दूँ यासिन भाभी ने सजाए में जी। अच्छा जी, सही है सही, रोक दो जी, पूरे फिल्टर में लिए इस वक्त वरना भी तुम सेल्ला पूछेगा इतने बनाना फिल्टर में लिए थोड़े बैठ। मैं लाइफ पेंट करता हूँ और उसके बाद उसके जो कलर जो मैं रिजल्ट करता हूँ वो मेरे अंदर जो भावी कलर हैं जो मुझे पसंद करते हैं जो परमानेंट वो मैं उसमें रिजल्ट करके और पेंटिंग को जाकर करने की कोशिश करता हूँ। डलते रहते हैं जैसे एडिट कर लेती हूँ। हाँ, कैसे ऐसे ही डाल देती है, लोगों के लिए मुसक पैदा करें, क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा, वो कहते हैं कि खुदा ऊपर से देख रहे हैं, सबको देख रहा है, लेकिन खुदा अंदर से आपको देखता है कि आप क्या क्या मन कर रहे हैं। सही बात है, क्या क्या मन कर रहे हैं आप, किसी के साथ जाति तो नहीं करने, किसी के किसी आप तो नहीं करेंगे, किसी को आप कितना एजुकेट कर। सदाकत अभी प्लेट में बना बना के सबको देंगे। कौन से क्या बनाइए, ये चाउमीन और भी चाइनीज ही पसंद क्यों। थोड़ी सी ली ना उसकी, अभी प्यार करो, अभी आगे पसंद नहीं था पल्ले। तो जी, खाने के बाद पानी खाने के बाद हम लोगों ने चाय वगैरह भी पी और काफ़ी गपशप की, लेकिन उसकी वीडियो नहीं बना सके। और अब हम लोग जा रहे हैं जनाब छत पे इस वक्त, और छत पे है लगा हुआ प्रोजेक्टर और उसमें तो हम लोग भाई जान ने लगाई है मूवी, और हम सब ऊपर बैठ के जी इंजॉय करेंगे वीडियो। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं थोड़ी सी वीडियो यहाँ की। अब भी जी अलग से अच्छा बिल्कुल नहीं आई, मैं ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं देखा जिसके सामने मैं शर्मिंदा हो जाऊं। ओके, तुम शर्मिंदा नहीं हो ना, सही। फिर से फसाद शुरू कर दिया तुम लोगों ने, मुंबई को शांति से रहने नहीं दोगे ना, पब्लिक को चैन से जीने नहीं दोगे। पैसे दे रहे होंगे, अड्डा अड्डा सारे डाल।
भी नहीं रुका सर, इतना ही नहीं हमें गुंडे कह रहा था। अब आखिरी कलमा बिल्कुल नहीं, ये कलमा तो अदा होते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा जी, मैं भाभी और मेहताब भाई और सारे लोग उनकी फैमिली के साथ बहुत अच्छा लगा। आज का दिन मेरा पूरा गुजरा लंच डिनर और बहुत मज़े का, और फिर सिनेमा में बैठ के मूवी देखना, ओपन एयर सिनेमा में बैठ के मूवी देखना सब बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा। और फरहाना भाभी का भी बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर। ये भी बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं। आपने टाइम दिया, आपका शुक्रिया बहुत ज्यादा। मजे का जो है वो पुलाव था, भाभी को जब पता चला कि मैं, मुझे बहुत पसंद है तो उन्होंने फौरन बनाया, मीठा बनाया। बहुत शुक्रिया सब भाभियों का, सब लोग खजिया तुम्हें कैसा लगा अपना सदर? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। वैसी दिल लग गई हो? नहीं नहीं, बहुत मजा आया। हाँ भाई, तुम्हें कैसा लगा? बहुत है माशाल्लाह, स्पाइसी है। तो अपने हाथ का खाना खिला दी ना आज सबको? अपने हाथ ही का है, पैरों का थोड़ी। तो इतना मेरा भी उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये आज का व्लॉग कैसा लगा, और नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।